खास करके जो महादलित मिशन बनाया और उन लोगों के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन करना था उन लोगों को किया, जो भी वो तो सही बोले हैं, सही डिसीजन है वो क्रिमिनल एयर वाला जो बोले हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आरक्षण के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच संजय झा का एक बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने सब कैटेगरीनेशन का प्रक्रिया जो है 2007 में ही कर दिया था और मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के, उनको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। आया है बिहार में नीतीश कुमार जी ने सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही किया था, खास करके जो महादलित मिशन बनाया और उन लोगों के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन करना था उन लोगों को किया, उन लोगों को अपलिफ्ट किया। और जो भी वो तो सही बोले हैं, सही डिसीजन है वो क्रिमिनल एयर वाला जो बोले हैं, यही लाइन है। मनीष सिसोदिया मिल गई है, आम आदमी पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया। अब इस पर क्या कमेंट करना है भाई, मैटर कोर्ट में है, सब जुडिस है मैटर, कोई कोर्ट उनको रिहा मैंने फ्री कर दिया है क्या, केस से केस तो चल ही रहा है ना अभी। आरक्षण के अंदर आरक्षण वाले मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा बता दिया नहीं बताया ना, अभी तो कमिटी बन गई, JPC बन गई है और जिनको जो बात रखना है जा करके JPC के सामने इस विषय पर बात रख सकते हैं। सर, तेजस्वी यादव को ED ने चार्जशीट जमा की है सर, साउथ एवेन्यू कोर्ट में सर। तेजस्वी यादव, आपने साफ तौर पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बयानों को सुना, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि बिहार में नीतीश कुमार ने सब कैटेगरीनेशन का काम 2007 में किया था, खास करके महादलित मिशन बनाया था उन लोगों के लिए किया गया था और जो भी डिसीजन है क्रिमिनल एयर का सही डिसीजन है, साफ तौर पर संजय झा का ये बयान था। वहीं मनीष सिसोदिया के बेल को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जो है प्रक्रिया कोर्ट में है, उन्हें राहत अभी नहीं मिला है और उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इसमें बहुत सारी बात है कोर्ट में, इनकी अभी काम प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर संजय झा का ये बयान था। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। यही खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे हैं और बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संदीप पटना, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।